जय हिंद, जय भारत। सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश देशभक्ति के रंग में डूबा हुआ है। चारों ओर भारत माता के जयकारे सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि आज 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस है। उसे हम संविधान का जन्मदिन भी कह सकते हैं, लेकिन इस बार ये जश्न थोड़ा अलग सा रहने वाला है। क्या कुछ बदलाव है इस बार वाले गणतंत्र दिवस पर, देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। इस बार देश 72वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है, लेकिन कोरोना के साए ने इस बार सारी मस्ती पर पानी फेर दिया है। इस बार गणतंत्र दिवस पर झंडारोहण कार्यक्रम के साथ अन्य कार्यक्रम नहीं होंगे। राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह जैसी ही पाबंदियां लागू रहेंगी। गणतंत्र दिवस समारोह में नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू रहेगा। स्टेडियम में आने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठने की व्यवस्था आवश्यक है। राजधानी के SMS स्टेडियम में होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नहीं होंगे। समारोह में उत्कृष्ट काम करने वाले कर्मचारी अफसरों का सम्मान नहीं करने के कारण इस बार विभागवार नाम भी नहीं मांगे गए। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में ये फैसला किया गया, जिसमें कहा गया SMS स्टेडियम में होने वाले समारोह में कर्मचारी अफसरों का सम्मान नहीं होगा। अब आपको राजधानी में होने वाले गणतंत्र दिवस की कुछ झलकियों के बारे में बताते हैं। 26 जनवरी को सुबह 9:30 बजे राज्यपाल कलराज मिश्र SMS स्टेडियम पहुंचकर ध्वजारोहण करेंगे। इसके बाद परेड का निरीक्षण भी करेंगे। समारोह में लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां देंगे, जो एक छोटा सा कार्यक्रम होगा। इसी के साथ मोटरसाइकिल शो और घुड़सवारी के साथ सेना और पुलिस का बैंड वादन भी होगा। इसके अलावा स्कूली बच्चों की परेड और कार्यक्रम नहीं होंगे। जयपुर से पिंकी गुरनानी की ये रिपोर्ट।